कार्यक्रम में भी वे ही महानुभाव प्रदेश के मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। संतों की वो परंपरा जो वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहितः पर विश्वास करती है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इसके मंत्र का उद्घोष करती है। मैं विनम्र प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ उसी परंपरा का आह्वान करता हूं कि आज के इस अवसर पर इस प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में अपने उद्बोधन की कृपा करें माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। सरदेव लाल जी टंडन जी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आज जिनका सानिध्य यहां पर प्राप्त हो रहा है, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री परम सम्माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, इस कार्यक्रम के शिल्पी प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्रीगण विधि और न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री मोहसिन रजा जी, लखनऊ की महापौर, हमारे लखनऊ के सभी माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, लखनऊ नगर निगम बोर्ड से जुड़े हुए सभी पार्षदगण और उपस्थित मित्रों, सरदेव लाल जी टंडन जी को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नगर निगम बोर्ड द्वारा आज प्रथम पुण्यतिथि पर टंडन जी की इस भव्य प्रतिमा का अनावरण यहां पर संपन्न हुआ है, मैं इसके लिए नगर निगम बोर्ड को और खासतौर पर महापौर को हृदय से बधाई देता हूं और नगर निगम बोर्ड की विकास के यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जब सरदेव टंडन जी की बात होती है तो उन्होंने पार्टी के एक पार्षद से लेकर के प्रदेश में नगर विकास मंत्री के रूप में दोनों सदनों में पार्टी के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में और देश के दो बड़े राज्यों में बिहार और मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में अपने अमूल्य सेवाएं देश को प्रदान की। सार्वजनिक जीवन में एक लंबा समय लगभग 60 साल उन्होंने व्यतीत किए। स्वाभाविक रूप से समाज के हरेक तबके में उनके प्रशंसक थे और उन सभी के साथ उनका व्यवहार वही आत्मीयता का था जो अंतिम दिनों में भी उस रूप में देखने को मिलता था। टंडन जी के सानिध्य में यहां नगर विकास मंत्री के रूप में कार्य करते हुए या फिर राज्यपाल के रूप में भी, जब बिहार के वे राज्यपाल थे उस समय, मुझे जब भारत सरकार के
द्वारा एक कार्यक्रम में नेपाल भेजा गया था, तो मुझे जनकपुर में रामचंद्र की विवाह में कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो जैसे टंडन जी को पता लगा कि मैं जनकपुर जा रहा हूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप वहां जा तो रहे हैं, आपको राजभवन में पटना जरूर आना है। तो मैं जनकपुर से फिर पटना गया था और रात्रि में राजभवन में ही रुका था। कितनी स्मृतियां उनके पास थी, समाज जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों को लेकर के, जिस भाव के साथ वे लोग कहते थे। और लखनऊ के बारे में तो आप सबने देखा होगा, जब टंडन जी ने अनकहा लखनऊ अपनी पुस्तक समर्पित की लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को, तो आप कह सकते हैं कि लखनऊ का एक चलता फिरता लाइब्रेरी पुस्तकालय टंडन जी में अपने आप में समाहित हो जाता है। और टंडन जी की इन्हीं खूबियों के कारण लखनऊ वासियों ने उन्हें बाबूजी के रूप में अपना भरपूर सम्मान दिया। आज स्वर्गीय टंडन जी हमारे बीच नहीं, तो टंडन जी की वे स्मृतियां हमारे साथ में हैं। और यह मूर्ति की भव्यता टंडन जी की स्मृतियों को एक जीवंतता प्रदान करेगी, लंबे कालखंड तक लखनऊ वासियों को निरंतर टंडन जी की याद को आगे बढ़ा दे, यहां पर हम सबको दिलाती रहेगी। उनके वयोवृद्ध पुत्र श्री आशुतोष टंडन जी उनकी विरासत को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, यह बहुत प्रसन्नता की बात है। नगर विकास में जो भी कार्य कर रहे हैं, जरूर पूछते हैं कि बाबूजी ने भी ऐसा किया था। तो बाबूजी की इस विरासत को आगे बढ़ाने की जो सामर्थ्य और जिस प्रतिबद्धता के साथ वे आगे बढ़ा रहे हैं, वह निश्चित ही उल्लेखनीय है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने आज यहां पर यह कार्यक्रम नगर निगम बोर्ड ने संपन्न किया है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी को यहां पर इस कार्यक्रम में लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री के रूप में आज उनका सानिध्य यहां पे प्राप्त करते हुए इस मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और स्वर्गीय टंडन जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के बाद आज इस प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में हमें मुख्य रूप से जिनका उद्बोधन मिलने वाला है, वे लखनऊ और बाबूजी इस परंपरा के प्रतिबिंब हैं। लखनऊ का प्रतिनिधित्व ही सदाशयता है, लखनऊ का प्रतिनिधित्व ही सभी को समेटने की संकल्प शक्ति है। हमें पता है कि इस लखनऊ का प्रतिनिधित्व 5 बार श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। अटल जी के बाद बाबूजी ने इसका प्रतिनिधित्व किया और बाबूजी के बाद आज जिस लखनऊ का प्रतिनिधित्व माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री के रूप में कर रहे हैं, करीब से देखिए तो तीनों में एक समानता आपको नजर आएगी। तीनों संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तीनों वो लोग हैं जो अपने सार्वजनिक जीवन में भारतीयता और सांस्कृतिकता के प्रतिबिंब हैं। अटल जी, बाबूजी और राजनाथ जी, तीनों की वेशभूषा में धोती और कुर्ता हमेशा समाया रहता है। यह जो परंपरा है, इसका वास्तविक प्रतिनिधित्व है आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्बोधन। मैं विनम्र अनुरोध के साथ आप सबके साथ आज के इस अवसर पर उद्बोधन के लिए लखनऊ की परंपरा के इस उत्तराधिकारी माननीय राजनाथ जी का तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए आमंत्रित करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे माननीय श्री राजनाथ सिंह जी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, और जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में
अराजकता का माहौल समाप्त करने में सारे हिंदुस्तान में शोहरत हासिल की है। और उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई दिशा भी दी है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जो कि पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिन्होंने संगठन को एक ऊंचाई दी है, ऐसे श्री केशव प्रसाद जी मौर्य और इसी लखनऊ के रहने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अब ये कह रहे हैं कि मास्क हटा लीजिए, लेकिन यदि मुख्यमंत्री ने मास्क लगाकर भाषण दिया है तो मैं न दूं तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष जी टंडन, मंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी और लखनऊ नगर निगम की महापौर श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, श्री सुरेश जी तिवारी, श्री नीरज बोरा, श्री अविनाश जी त्रिवेदी, श्री मुकेश शर्मा नगर अध्यक्ष, श्री गोविंद नारायण शुक्ला, जिन्हें आप लोग माताजी कहकर पुकारते थे, मैं उन्हें माताजी तो नहीं कहूंगा बल्कि आदरणीय भाभी जी ही मैं कहता रहा हूं, जब भी हमारी टंडन जी से उनसे बातचीत होती रही है, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सबसे पहले मैं नगर निगम लखनऊ को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं कि जिन्होंने लखनऊ की पहचान आदरणीय टंडन जी की प्रतिमा लगाने का फैसला किया और उन्हीं के नाम से इस पार्क का नाम भी होगा यह भी निर्णय किया है। मैं बैठे बैठे सामने से टंडन जी की प्रतिमा को ऊपर से लेकर नीचे तक मैं देख रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि एक वाक्य में टंडन जी की पहचान के बारे में कुछ कहना है तो हम कह सकते हैं धोती कुर्ता पहने एक जिंदा दिल इंसान जिसके चेहरे पर बराबर हो मुस्कान, यही है हमारे टंडन जी की पहचान। उनके गुणों का जहां तक सवाल है बहुत सारे हैं, बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा करने का भी कोई औचित्य नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें उनके बारे में कही हैं। मुझे याद है कि जब भी दिल्ली में भी जब वो सांसद थे और मैं भी सांसद था गाजियाबाद से, हम लोगों की भेंट होती थी, कह कहें लखनऊ का चाट खाए बहुत दिन हो गया, जब इस बार लखनऊ आना तो आप मेरे घर जरूर आना चाट खाने। और मैं कहना चाहता हूं कि वह सुखद अवसर मुझे कई बार आदरणीय टंडन जी के साथ जो है मुझे प्राप्त हुआ है। और लखनऊ के बारे में जितनी बारीक जानकारी टंडन जी के पास थी, मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी के मुंह से लखनऊ के बारे में उतनी बारीक जानकारी हमने हासिल कभी नहीं की। हर गली हर चौराहे के बारे में जो हमारी इस लखनऊ की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके बारे में, और लखनऊ ही नहीं बल्कि वो तो अवध क्षेत्र के बारे में भी तरह तरह की कहानियां तरह तरह के किस्से वह बराबर सुनाया करते थे और उसकी जानकारी देते थे। मैं जहां तक समझ पाया हूं दो व्यक्ति इस लखनऊ शहर में ऐसे थे जो लखनऊ की संस्कृति संस्कार और व्यवहार वो न केवल वह समझते थे बल्कि इसी के अनुरूप वो अपनी जिंदगी भी जीने का काम करते थे। ऐसी दो हस्तियां थी, एक पद्मश्री पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ था डॉक्टर योगेश प्रवीण जी और एक हमारे आदरणीय टंडन जी, दो ऐसी हस्तियां थी। दोनों को सामान्यतः जब किसी व्यक्ति से चर्चा होती थी लोग कहते थे कि सचमुच इनसाइक्लोपीडिया जी लखनऊ के हैं, तो ये दोनों हस्तियां हैं योगेश प्रवीण जी और हमारे आदरणीय टंडन जी, यह सामान्य धारणा थी।
और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के गलियारे में स्थापित करने में हमारे टंडन जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि लखनऊ के अंदर ही उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन लंबे समय से, क्योंकि पहली बार 25-26 साल की उम्र में मैं विधायक बना था 77 में, तब से आदरणीय टंडन जी के बारे में चित्र में जानता हूं। तब से उनकी बराबर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूमिका को बहुत ही नजदीक से देखने का अवसर मिला है और समझने का अवसर मिला है। प्रत्यक्ष रूप से भले ही किसी को यह बात समझ में ना आती हो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को सत्ता के गलियारे में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सत्ता के गलियारे में स्थापित करने का काम टंडन जी ने कैसे किया, भले ही यह कुछ अजूबा लगता हो, लेकिन मैं जानता हूं महत्वपूर्ण सुझाव लेने होते थे, चाहे कोई रहा हो। मैं कहता हूं आदरणीय कल्याण सिंह जी हम हो, आदरणीय कल्लाद जी हो, सब यदि कोई महत्वपूर्ण कोई निर्णय लेना होता था तो उसमें निश्चित रूप से हमारे आदरणीय टंडन जी की भागीदारी रहती थी और बराबर उनके महत्वपूर्ण कुछ सुझाव रहा करते थे। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के गलियारे में स्थापित करने में भी हमारे टंडन जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विभिन्न पदों पर रहे हैं, उसकी बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि लखनऊ के सभी लोग अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। मैं टंडन जी के बारे में प्रमुख रूप से चार बातों की मैं चर्चा करना चाहता हूं, जो उनके अंदर विशेष रूप से चार गुण थे, और उसे जो सीख हम सबको मिलती है वो यही मिलती है, व्यक्ति का चाहे पद कितना ही बड़ा क्यों न हो, व्यक्ति का पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे अपनी जमीन से कभी नहीं कटना चाहिए। यह सीखना हो किसी को तो वह टंडन जी से सीख, यह मैंने उनसे देखा था। बड़े बड़े पदों पर रहे लेकिन आम लोगों से वह कभी कटे नहीं, क्योंकि इस आवास में जहां पर वह रहते थे मुझे कई बार जाने का अवसर मिला है। जब भी मैं पहुंचता था तो गरीब से लेकर और जो धनाढ्य माने जाते थे हर तरह के लोग उनके आवास पर हमको देखने को दिखाई देते थे, और सबसे बहुत ही प्यार के साथ टंडन जी की बराबर बातचीत करते हुए भी हमने उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा है। दूसरी बात, संबंधों का निर्वाह उनके जीवन में हमने देखी है। हर दल के व्यक्ति के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे। आप ये कहेंगे कि हर दल, मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जितने भी पार्टियां हैं सभी पार्टी के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते थे, और चाहे कोई व्यक्ति किसी जाति का हो, पंथ का हो, मजहब का हो, उसके साथ भी उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते थे और सब लोग उनके ऊपर भरोसा और विश्वास करते थे। राजनीतिक जीवन में संबंधों को बनाकर रखना, संबंधों को बराबर जीवंत बनाकर रखना यदि किसी को सीखना हो तो टंडन जी से सीख सकता है, यह मैंने उनके अंदर देखा है। अब यहां तक संबंधों की गहराई समझ सकते हैं कि मायावती जी भी यहां मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उन्होंने कहा टंडन जी हमारे भाई हैं, इसको भी मैं भूल नहीं सकता, और उसकी बहुत चर्चा हुई थी उस समय। टंडन जी के इस व्यवहार से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि राजनीति में मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, यह टंडन जी के इस व्यवहार से हमको सीख मिलती। तीसरी बात, राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों पर भी उनसे चर्चा आप करें, एक टंडन जी की